चोपड़ा की बेहतरी के लिए तुम्हें ही करना होगा और चिनार की बेहतरी के लिए, सबकी बेहतरी के लिए करना होगा तुम्हें ये। सुन रहे हो ना तुम मुझे? मेरी बात सुन सकते हो ना तुम? चिनार आ गया, अब मैं क्या करूं? चिनार आ गया, कहां छुपूं? मैं क्या करूंगी? आप ऐसे सलूक क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं जानती, आपने टोपराक को बहुत हर्ट किया है जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आना चाहती। पता नहीं क्यों आपने ऐसा किया, आपने हम दोनों की बल्कि हम तीनों की जिंदगी क्यों बर्बाद की? हम सबकी खुशी के लिए आपको हकीकत बता देनी चाहिए। यास्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हें गमजदा देखकर यहाँ चली आई ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ और दर हकीकत जान सकूँ कि वजह है क्या। चलो ठीक है, बाहर जाओ जरा। तुम जानते हो कि मैं तुम दोनों को कितनी अहमियत देती हूँ। मैं तुम दोनों को दुखी नहीं देख सकती। आई एम रियली सॉरी। ये क्या अभी तक नहीं उठा? हाँ नहीं, अभी तक नहीं उठा। यानी मुझे भी नहीं मालूम कौन सा डॉक्टर ऐसा है जिससे मेरी बात ना हुई हो इसकी कंडीशन के बारे में। मैं इसकी हालत जानना चाहती थी। नॉर्मली मैंने सुना है पेशेंट्स कोमा में सुन रहे होते हैं। हाँ, उठ गया। चलो ठीक है, अब बाहर जाओ तुम। अगर मैं ना जाऊँ? यास्मीन, बाहर चली जाओ। चिनार, तुम कुछ करोगे तो नहीं? यास्मीन, मैंने तुमसे बोला है ना कि बाहर चली जाओ। चलो आ जाओ, लेट्स गो। चिनार, चिनार। तुम्ही ने मेरी बीवी को अपने हाथ लगाए ना? अरे शुक्र करो कि तुम इस वक्त अस्पताल में इस हालत में हो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान निकाल देता। अरे उठो ताकि मैं तुमसे अपना हिसाब तो ले सकूं ना। तुम? हाँ मैं ही हूं। यानी तुमने अपनी आंखें खोलने का फैसला कर लिया है? गेम खत्म हो गई है सिद्कू। जरा इधर तो देखो, देखो तुम्हारे और मेरे अलावा इस वक्त और कोई भी नहीं है। मैदान बिल्कुल साफ है अभी। हा? तुम्हें तकलीफ होती है? फिक्र मत करो, अभी शुरुआत है। तुमसे बस मैं एक सवाल मैं पूछूंगा। सही जवाब के बदले मैं मुंह मांगे कीमत दूंगा। क्या चाहते हो? मेरी बीवी और तुम्हारे बीच क्या हुआ?
जवाब दो मुझे। मैंने जो कुछ कहा है ये वो बताएगी और कुछ भी नहीं। तो फिर उसने तुम्हें चाकू क्यों मारा? बताओ मुझे जरा ये बात, हुआ क्या था उस रात? ए हंसो मत, हंसो मत। यानी स्पेशली जब उसने मुझे कहा कि मुझे तन्हा रहने दो, तो मुझे बहुत खौफ होने लगा, इसलिए मैंने आपको इत्तला कर दी। वो आखिर उसकी बीवी का पहला शौहर है, कुछ भी हो सकता है। अरे जवाब दे मेरा सलील इंसान, जवाब दे। प्लीज रुकिए, रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? मैडम आप बाहर जाएं प्लीज। छोड़ो मुझे, जवाब दिए बगैर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। छोड़ो, याद रखना तेरे से हिसाब लूंगा मैं। ओकान, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे लिए गुड न्यूज है मेरे पास। सिद्कू कोमा से बाहर आ गया है। ओह बहुत शुक्र है। उसे कुछ हो जाएगा ये सोच के मैं बहुत खौफजदा थी। चाहे सिद्कू ही क्यों ना हो, किसी को नुकसान पहुंचाना मेरे लिए बहुत तकलीफ देह है। सिद्कू मर जाता तो अपने आप को माफ ना कर पाती। अब तुम इस बारे में मत सोचो। जैसा कि सिद्कू अब होश में आ गया है, क्या केस की नौयत बदल सकती है? हाँ, मैं उसकी गिरफ्तारी से पहले उसका एविडेंस लेने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर ऐसे कामों का कुछ पता नहीं होता। जज के सामने बयान देना जरूरी है, शायद वो बयान देने के काबिल नहीं है ये सोचकर उसे आजाद भी किया जा सकता है, या मुमकिन है मुलतवी हो जाए। सिद्कू का एविडेंस भी तो है, पता नहीं क्या बयान देगा। मुझे ये भी अंदाजा है, मगर वो जो भी बयान दे उसके बाद तुम्हें सजा हो सकती है। तुमने उसकी जान लेने की कोशिश जो की थी। कितनी सजा हो सकती है? 1 से लेकर 3 साल तक की। ओकान में ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती, कुछ भी करो मुझे यहाँ से निकालो। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ओकान जो कुछ तुमसे हो सके उससे भी ज्यादा करो, मुझे यहाँ से फौरन निकालो, समझ रहे हो? प्लीज। वाकई ये गैर मुतवक्को सूरत हाल थी, और मैं वहीं हांगकांग एयरपोर्ट पर रह गया। नाकाबिले यकीन तौर पर यही हुआ, आप मेरी हंसी पर मत जाएं। वाकई आपका काम बिगड़ गया। ओफ, एक चाइनीज क्लाइंट हमारा इंतजार कर रहा था और हम दोनों पार्टनर हांगकांग एयरपोर्ट पर कुर्सियों पर बैठे सुबह होने का इंतजार करते रहे। वाकई ये हमारे लिए बहुत बुरी सूरत हाल थी। बहुत बुरी सूरत हाल थी, मगर आप इतने अच्छे अंदाज से सुना रहे हैं कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, क्या बताऊँ। माफ कीजिएगा। हेलो जमरूद मैडम, आपने क्या किया आपको अंदाजा है? एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रही। हाल और आपके तौर तरीकों के बारे में कह रहा हूँ। अभी तक आप मेरे निकाह में हैं, क्या ये बात याद दिलाने की जरूरत है? मेरे ख्याल में अलगात तरलीम और ताशकरान तरलीम के दरमियान फर्क है। और आप ये सब कुछ कैसे भूल सकती हैं? वहीं रुक जाएं प्लीज, आपको मुझसे हिसाब लेने का कोई हक नहीं पहुँचता है। अभी तक तो हक है, क्योंकि अभी भी मैं आपका शौहर हूँ। अच्छा, अनकरीब आप मेरे एक्स हस्बैंड हो जाएंगे, मैं भी आपको ये बात याद दिला दूं। अभी अलैदगी नहीं हुई और कानून के मुताबिक आप पर मेरे हकूक हैं। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर नजीब। आपने मुझे छोड़ा है, इसलिए आप मेरे कुछ भी नहीं हैं। बहैसियत शोहर आपकी जो फराइज थी आप वो भी अदा नहीं कर रहे हैं। किस तरह के फराइज? बात मत बढ़ाएं प्लीज। आप कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं? मैं दखल अंदाजी करती हूँ आपकी बातों में? आप भी मेरे मामला में दखल अंदाजी मत करें, मुझे ऐसी बातों में मत उलझाएं प्लीज। आई एम सॉरी, और यहाँ के खाने मुझे बहुत पसंद आए हैं, या आपने मेरे बारे में पता किया हुआ है? बिल्कुल नहीं, मगर हमारी पसंद आपस में मिलती जुलती है। मैं भी, ये हमारी पसंद के नाम।
समझा बात सुनो। जी मिस्टर नजीब। तुम्हारे हाथ में जो भी काम है वो सारे काम छोड़ दो और इसी लम्हे जमरत मैडम का पीछा करो, और बिल्कुल भी पीछे मत हटना। किसके साथ कहाँ कहाँ जा रही हैं मैं जानना चाहता हूँ। जैसे आप कहो। चिनार, आई एम सॉरी, क्या तुम्हें जवाब मिल गया? बताओ ना आखिर उसने क्या कहा तुम्हें? नहीं पता। कैसे नहीं मालूम? तुम्हारी बात हुई है उससे? जवाब नहीं दिया उससे सलीम ने। हाय, सीरियसली बहुत अफसोस हुआ मुझे। अगर वो जवाब ना दे तो? पर मैं पता लगवा के ही रहूंगा। बिल्कुल मेरी जान, वैसे भी अब वो होश में आ चुका है, जल्द तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। तुम अपनी गाड़ी लाई हो शायद? हाँ हाँ, मैं तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। क्या मैं उससे मिल लूं? मरहबा मिस दैलमा। हेलो। आप नहीं देख सकती? क्यों? अगर पेशेंट सो रहा है तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ, इंतजार कर लूंगी। मरीज को सब परेशान करना मुनासिब नहीं है। मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ उसकी हालत बहुत नाजुक है, पर दो मिनट उसको देखना चाहती हूँ अगर आप। प्लीज जिद मत करें, वैसे भी ऐसे पेशेंट से मिलने की इजाज़त नहीं होती। मिस्टर सिद्कू की पर्टिकुलर हालत के पेश नजर मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। ठीक है। अंदर कोई नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स मिस्टर अर्तगाल। ठीक है। चिनार सर, आपने खाने पर ना आने की इतला की है, मगर मिसेज इकबाल कह रही हैं कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगा, उनसे कहो मेरा इंतजार मत करें। ठीक है सर। मुझे बहुत अफसोस हुआ है रेहान, मगर एक तवील मुद्दत से तुम दोनों भी टेंशन में थे। तुम्हारी प्रेगनेंसी से सर्जरी तक वो तकलीफ क्या कम थी कि अब तुमने मेहमत से ये जिद लगा रखी है? प्लीज उन बुरे दिनों की याद मत दिलाएं भाभी। जाहिर है मैं समझती हूँ, मैं भी क्या कहूँ, तुम्हारे नसीब में बस यहीं तक साथ था। इंसान के साथ पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है, उसमें भी कोई बेहतरी होती होगी, मगर इस तरह माँ बाप की अलहदगी में बच्चों को बहुत महरूमी का एहसास होता है। इकबाल मैडम। मैडम मैं क्या कहूँ, आप चिनार सर नहीं आ रहे। उसने तो सलाम दुआ ही बंद कर दी है, कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। मैं देख, आप उसके साथ जिद ना करें इकबाल मैडम, उसे भूख नहीं होगी। हम भी एकदम नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे, मैं और यूसुफ एक बेहतर जिंदगी शुरू करेंगे, है ना यूसुफ? नहीं मेरी जान, ऐसा ही हो इंशाल्लाह। मगर कुछ भी हो, इसके बावजूद बच्चे माँ बाप की अलहदगी को बहुत महसूस करते हैं। मगर यूसुफ इतना समझदार है भाभी, हमारी अलहदगी में उसने अहम किरदार अदा किया है, है ना यूसुफ? मॉम मैंने खाना खा लिया, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। अरे हाँ रेहान, तलाक देने के बाद तुम क्या करोगी, कुछ सोचा है इस बारे में, कहीं शिफ्ट हो जाओगी? ये कौन सा मौका है इस तरह की बात करने का इकबाल मैडम, ये अपने तलाक लेने के बाद मेरे पास रहेगी।
अल्लाह अल्लाह, मैं तो पागल हो जाऊंगी। सुबह यहाँ से कोई जाता हुआ दिखाई नहीं देता, शाम में कोई वापस आता दिखाई नहीं देता। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी सही से पार्क भी नहीं कर सकते तुम लोग। मजाक बना के रखा हुआ है, हटाओ इस गाड़ी को यहाँ से फौरन। अरे मैडम क्या हो गया, क्या तकलीफ है आपको? एंट्रेंस है मेरी, वहाँ से नजर नहीं आता तुम्हें? मैडम इतनी क्या जल्दी है, दो मिनट वेट नहीं कर सकती? दो मिनट, दो सेकंड में इंतजार नहीं करूँगी मैं। हटाओ अपनी गाड़ी, हमारे घर की एंट्रेंस है ये, इस्तांबुल है समझिए आप, जहाँ खाली जगह मिलती है वहीं गाड़ी पार्क होती है, आपको तमीज नहीं है? अच्छा वाकई में, मुझे तुम तमीज सिखाओगे? हटाओ गाड़ी। अगर मैं गाड़ी ना हटाऊं तो मैडम तुम क्या कर लोगी? तुम औरत से इस तरह बात करते हो, तमीज नहीं है? ए क्यों चिल्ला रहे हो उस पे? तुम्हें क्या, तुम कौन हो? क्या मतलब तुम्हारा, तुम कौन हो? हाँ इस पे भरम झाड़ रहा हूँ। छोड़ो उसे सिना, रुक जा प्लीज सिना, सिना ऐसा कुछ नहीं हुआ, रुको तुम सिना, रुक जा छोड़ो उसे सिना, जान से मार दूंगा मैं। ये चिनार की आवाज है ना? अल्लाह खैर करे। बाबा बिस्मिल्लाह, जुर्रत कैसे हुई तेरी? खोलो बेटा खोलो। चिनार पागल हो गए हो क्या? रुक जाओ ना। चिनार, चिनार, चिनार छोड़ो। चिनार प्लीज तुम क्यों नहीं रुक रहे हो, हटो यहाँ से, चिनार कोई नीचे आएगा प्लीज। चिनार छोड़ दो उसे। नजीब साहब खुदा के लिए आप मत जाइएगा, अभी तो आए हैं आप। मैं इस तरह से नहीं रुक सकता यहाँ। अरे रुकिए ना, आप गर्म कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। चिनार प्लीज रुक जाओ, मार डालोगे क्या उसे? चिनार छोड़ो उसे प्लीज, रुको चिनार, चिनार अल्लाह का वास्ता, रुक जाओ प्लीज, चिनार हटो प्लीज, क्या कर रहे हो, पीछे रहो आप तुम, चिनार प्लीज, चिनार छोड़ो, चिनार बेटा, चिनार, चिनार बस करो, छोड़ो बेटा, छोड़ दो इसे। चिनार क्या हो गया, उठो तुम, ठीक तो हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जाओ छोड़े मुझे, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हुआ था बेटा, मेरे बच्चे मुझे बताओ तो सही। इस पागल इंसान ने गाड़ी हमारे घर के आगे पार्क कर दी थी, मैंने इसको गाड़ी हटाने के लिए कहा तो उसने बकवास करना शुरू कर दी, बस चिनार को गुस्सा आ गया और उसने उसे मारा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर नजीब। चिनार ने ड्रिंक की हुई थी। खैर बस आप लोग फिक्र ना करें, आप अंदर जाइए, मैं गाड़ी पार्क करके अंदर आती हूँ। आगे जा रही हो तो? मैं समझी नहीं रेहान। कुछ देर पहले मैंने भाई से बात करते हुए सोचा, कई माह पहले तुम्हें जैसे चाहा आज तुम उसी मुकाम पर हो। मैं वाकई में समझ नहीं पा रही हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, फिर किसी वक्त बात करेंगे, मैं चलती हूँ। तुम्हारे और चिनार के बारे में कह रही हूँ, तुम बेटा पैदा करना चाहती थी, कर लिया। चिनार की गुर्बत हासिल करना चाहती थी, आज इसी घर में हो। तो प्राग को उसकी जिंदगी से निकालना चाहते थे, देखो अब वो नहीं है। यहाँ तक कि भाई भाभी और चिनार एक दूसरे के करीब आ गए हैं, एक दूसरे के काम आने लगे हैं, ये वाकई कोई मौजदा है या सिद्कू की वजह से है? क्या फजूल बातें कर रही हो रेहान? सिद्कू ने जब से इंटरफेयरिंग शुरू की है तो प्राग के हक में बुरा होने लगा। जरा याद करो, सिद्कू के बारे में मैंने ही बात की थी तुमसे।
ठीक है रेहान, तुम याद करती रहो और तब तक बात करने का वक्त गुजर चुका होगा। यानी बाकी सब तुमने खुद हल कर लिया। ऐसा है, सिद्कू को तोपराग पे मुसल्लत कर दिया और तोपराग और चिनार के ताल्लुकात खराब हो गए। तोपराग ने जब सिद्कू को चाकू मारा, चिनार तुम्हारे हत्थे चढ़ गया। अच्छी एडिटिंग करती हो रेहान, बट दिस टाइम यू आर रॉन्ग, क्योंकि मुझे ये काम छोड़े हुए अरसा हो चुका है। चिनार बच के पैदा होते ही मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, फिर भी मैं ऐसा इमेजिन नहीं करती थी। जहनी तौर पर बात इतनी बढ़ जाएगी मैंने नहीं सोचा था, मगर अब जो जैसा भी है, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़े और खुशहाल घराने में परवरिश पाए, और मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूँ। अब मुझे इजाजत दे, मैं उसके पास जाऊंगी। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पानी डाल के साफ करो यार, इस मिट्टी ने तो दिमाग का फालूदा डाला तो है मगर काफी नहीं है। अरे 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 छोड़ो, तुम रहने दो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आप जाना, फिक्र मत करे, कुछ नहीं होगा। मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें, यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम रहने दो इन कामों को। हाय मेरी बच्ची, अब देखो ना, दरवाजों की भी किस्मत होती है, कोई महल में लगता है और कोई कैदखानों की चौखट में लगता है। बात तो सही कह रही है यार, अब देखना, किसी से तो लोग रोज मिलने आते हैं और किसी को कोई पूछता ही नहीं है। वाकई सच कह रही हूँ। अच्छा, ज्यादा जबाने ना चलाओ, जाकर अपना अपना काम करो। आओ आपा, आओ आओ, मिलकर करते हैं, ऐसे नहीं होगा ये काम पूरा। तुम्हें भी हिले बगैर सुकून नहीं है। हाय हाय, अरे बेटा, बच्चे को तुमने ये किस तरह के कपड़े पहनाए? इसमें क्या है इकबाल मैडम, क्या खूबी है इसमें, जरा मुझे भी बता दो। किस कदर तंग है ये कपड़े। शर्मीन, तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया है, बच्चे पालना महारत का काम है, तजुर्बा चाहिए इसके लिए। बच्चों को कैसे पालना चाहिए जरा आयशा से सीखो। जाओ, जाकर आयशा से पूछो, जल्दी जाओ, जाकर इसके ये कपड़े तब्दील करो, बीमार हो जाएगा, इसे गर्म कपड़े पहनाओ। जाओ भाई, कोई काम नहीं करते। इकबाल मैडम, पहनाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चिनार सर। अरे क्या उठ गया है मेरा शेर? हाय मेरा बच्चा, शहजादे के बाबा आ गए। अब तुम आ गए हो तो आओ, हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। अरे नहीं अम्मी जान, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। चिनार बेटा, तुम कब से भूखे हो, दो चार लुकमे खा लो ना भाई। पार्टनर। हाय सिद्कू, फाइनली तुमने चलना शुरू कर दिया। हाँ, मैं तो समझ रहा था कि तुम जल्दी टपकोगी, मगर मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, कल वाली बात की वजह से कह रहा हूँ। ऐसा लगता है तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। तुम ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, तुमने हर बात सुनी है उसकी। वल्लाह, तुम्हारी इतनी तेज आवाज की वजह से जाग गया हूँ मैं, क्या सुनने को मिलेगा यही सोच रहा हूँ मैं, सुनाओ ना। मुझे तुम्हारा यकीन नहीं है, ये सोच सोच कर कि तुम क्या बोलोगे, मैं मर जाती तो क्या होता। अल्लाह, गुस्सा क्यों करती हो, ये सब शैतानी हरकतें तुम्ही से तो सीखी हैं। आफरीन है तुम पर, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। वल्लाह मैंने बहुत एंजॉय किया है, ऐसे कैसे तुम्हारे कदम मेरे सिरहाने जम गए हैं। चिनार हकीकत जानने के लिए दुनिया ऊपर नीचे कर देगा, उसने जहन बना लिया है, अब तुम भी अपना जहन बना लो तो बेहतर है। मगर
ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता है ना सिद्कू, हम दोनों आखिरकार पार्टनर्स हैं, सही कह रही हूँ ना मैं? वल्ला मकसद बताओ अपना, सिर्फ जो ज्यादा ऑफर करेगा उसी तरफ झुकूंगा। नहीं मेरी जान, तुम सिर्फ मेरी ही साइड झुकोगे। अपने इरादे का पक्का हूँ मैं, भी सुबह तक बिल्कुल नहीं सो सका, मुसलसल सोचता रहा कि मुझ जैसे इंसान का कोई मकसद नहीं होता। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक सिर्फ काम की हद तक है, यानी ये देखते हुए मैं तुम्हारी बात मानता हूँ या नहीं मानता हूँ ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना सिद्कू? शामदीद, कुछ हुआ है क्या? मैं यहाँ से निकल सकती हूँ? मैंने कल एप्लीकेशन जमा कराई थी पर जवाब नहीं आया। दरअसल मैं किसी और बात के लिए आया हूँ। क्या हुआ? वो चिनार को जो डिवोर्स एप्लीकेशन भेजी थी वो उसने रिटर्न कर दी अपने वकील के जरिए बगैर दस्तखत के। मतलब ये कि वो तुम्हें तलाक नहीं देगा। असल में जितना आसान तुम्हें काम लगता है उतना है नहीं। मुझे समझ नहीं आता वो इतनी जिद क्यों कर रहा है। जब मैंने उसे बताया कि तुम उससे डिवोर्स लेना चाहती हो तो मैं तभी समझ गया था वो इतनी आसानी से तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं देगा। तुम परेशान हो गई ना, तुमने अगर पक्का फैसला कर लिया तो ये शादी नहीं चल सकती। ये समझौता हमारे दरमियान शुरू हुआ था और हमारे दरमियान ही रहेगा, आखिरकार हम पार्टनर्स हैं, ऐसा ही है ना? वल्लाह मैं इतना तो नहीं जानता, देवरी जिंदा देवरी। आप बस मिस्टर चिनार की मोहब्बत हासिल करने की कोशिश करें। मगर देखो यहाँ क्या चीज है, क्या ऐसा कुछ उस पार्टनरशिप में मिलेगा? ये देखो सिद्कू मैं क्या लाई हूँ। अभी से मैदान गर्म होना शुरू हो गया। चिनार तुम्हें इस तरह की कोई चीज इनायत नहीं करेगा मेरा नहीं ख्याल। अगर हमारी पार्टनरशिप रही तो ये तुम्हारी। लाओ दो ना यार। देखना चाहोगे तुम? क्या यहाँ लाई हो? लाई हूँ ऑफकोर्स, तुम्हारी है पार्टनर, मुझे कभी आधे रास्ते में तो छोड़ दोगे ना तुम, या मुझे टैक्सी लेनी होगी? दिखाओ जरा कौन सी है। ये रेड कलर वाली जो सामने खड़ी है। अरे बाप रे बाप, ये तो काफी महंगी गाड़ी लगती है। ऐसा ही है, ये लो इसका रिमोट। हाँ रिमोट ट्राई कर लो, इसी का है। 10 नंबर। मुझे पूरा यकीन था तुम्हें पसंद आएगी। देखो मैंने कई एक घर भी देखे हैं तुम्हारे लिए, तुम भी देख लो। ये 0 मीटर ही है ना? हाँ बिल्कुल सिद्कू। लगता तो नहीं है, चलो मान लेता हूँ। ठीक है सिद्कू, अब तुम जल्दी करो क्योंकि मुझे और भी काम है। यार जल्दबाजी में थोड़ी देखे जाते हैं घर, मैं आराम से देख लूंगा। अगर तुम्हारा कोई काम है तो जाओ, इंतजार मत करो, ये यहीं छोड़ दो।
ओके, तुम्हारे पास रहने दो, बल्कि तुम ही रख लो, ठीक है? जो भी है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, मेरी जान पार्टनर। तुम्हें अगर इसमें से कोई घर पसंद आ जाए तो मुझे कॉल कर लेना, हम बाकी तय कर लेंगे। सबसे ज्यादा मजे का काम यही है मेरे लिए। ठीक है, मैं जरा पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लूं, फौरन चली जाऊंगी। तुम शैतान को हरा देती हो, पुलिस क्या चीज। फिर मिलेंगे सिद्धू। तुम्हें क्या पता मुझे क्या कुछ पता चला है? क्या पता चला? रेहान किसके साथ है मुझे पता चल गया। आ, कौन है? मेरा ख्याल है ओकान बुस्तान जी के साथ है। क्या? किसी ने मेहमत कहा है क्या? नहीं, जिसे कहा है वो तुम नहीं हो। ठीक है। क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? हाँ, दरअसल ये कल वाली मीटिंग की रिपोर्ट चाहिए मुझे। अच्छा, मैं वो तुम्हें मेल कर दूंगी। चलो फिर, तुम्हारा काम आसान हो। उसने कुछ सुना तो नहीं? यार, तुम लोग इंसानों वाला खाना क्यों नहीं देते मुझे? गोभी रख दी है उठा के यहाँ पे। खुशामदीद। शुक्रिया भाई, इसकी जगह अगर पुलाव होता तो ज्यादा अच्छा होता, जाहिर है। पहले से बेहतर लग रहे हो। हाँ, बेहतर हूँ। तो फिर आपका बयान लेते हैं, आपको चाकू किसने मारा था? बिल्कुल बिल्कुल। माफ करना रेहान, मैं लेट हो गया। तुम भी बुरा मत मनाना माय लाइफ, मुझे भूख लगी थी, मैं इंतजार नहीं कर सकी। बहुत अच्छा किया तुमने, मैं भी तो प्राग के पास था। वापसी में रोड पे कोई हादसा हो गया, बहुत ट्रैफिक जाम था। तो प्राग कैसी थी? खुशामदीद की हो शायद। बहुत अजीब सी लग रही थी, जैसे कि वो किसी अजनबी से बात कर रही हो, उतने गुस्से में, बिल्कुल पागलों की तरह, पता नहीं क्यों। क्या करे बेचारी, उस पर जो गुजरा वो आसान नहीं। ठीक कहा। तो प्राग मुझसे मुलाकात करने आई थी, फिर वो मजाक मजाक में, आप नहीं समझेंगे। क्या मतलब, कैसा मजाक? हाँ, वो मैं चाकू लेकर हाथ में ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, और हम दोनों मजाक कर रहे थे, ठीक है? वो हंस रही थी और मैं खुश हो रहा था। अच्छा, तो हाथ में चाकू लेकर मजाक कर रहे थे? हाँ हाँ, उसे अच्छा लग रहा था और वो हंस रही थी, और मजाक ही मजाक में एकदम से चाकू मेरे पेट में घुस गया। ओके। आपकी हेल्प के लिए मैं आपके पेशेंट सिद्धू से मिलने आ रहा हूँ। आईसीयू।
तो समझ रहा था तुम चले गए, बस गए। तो प्राग ने तुम पे क्यों वार किया? अरे अरे, तुम्हारा दिल नहीं भरा अब तक? इंसानों की तरह बात करो और इस पे मुंह मांगी कीमत लिखो। अभी अभी पुलिस को सब कुछ बताया है मैंने, दोबारा नहीं बता सकता मैं, जाओ उनसे जाकर पूछो। मैंने बोला ना बकवास थी। बस भी करो। सिद्कू पागल मत बनो। सिद्कू आप ठीक है? हर किसी आने जाने वाले को मेरे कमरे में मत भेजा करें प्लीज। मिस्टर प्लीज, आप ऐसे नहीं जा सकते। जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे आप पेशेंट से नहीं मिल सकते। पुलिस वगैरह नहीं है क्या दरवाजे पर? सबको इस तरह अंदर आने दिया जाता है? मिस्टर आप चले जाएं। इन्हें लेकर जाएं यहाँ से।